नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक कहानी है 14 अक्टूबर 2019 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से। एक ऐसी वारदात की खबर सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। एक महिला की लाश अपने ही घर में मिलती है जिसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई थी। मरने वाली महिला दिव्या मिश्रा एक जानी मानी टीवी एंकर की पत्नी थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही जाँच शुरू होती है। जाँच के बाद जब पुलिस वाले इस मामले का खुलासा करते हैं तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। यह मामला था धोखा, विश्वासघात और मर्डर का। तो आखिर दिव्या मिश्रा की हत्या किसने की थी, हत्या का कारण क्या था और इस वारदात के पीछे किसका हाथ था, चलिए सब कुछ जानते हैं डिटेल से इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। तो चलिए आप कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, यह घटना 14 अक्टूबर 2019 की है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक जगह है कटरा बाल सिंह कॉलोनी। यहीं पर एक मकान में दिल्ली नोएडा में काम करने वाली टीवी एंकर अजितेश मिश्रा अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दिव्या मिश्रा। शाम का समय था, तभी दिव्या के ससुर प्रमोद मिश्रा किसी काम से अपनी बहू से मिलने आते हैं। दरवाजे पर वह कई बार आवाज़ लगाते हैं मगर घर के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर वो दरवाजे को हल्का सा धक्का देते हैं जिससे दरवाज़ा तुरंत खुल जाता है। जैसे ही प्रमोद मिश्रा घर के अंदर दाखिल होते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर के हॉल में उनकी बहू दिव्या मिश्रा खून से लथपथ बेसुध पड़ी हुई थी। प्रमोद मिश्रा अपनी बहू को लगातार उठाने की कोशिश करते हैं मगर दिव्या मिश्रा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती हैं। फिर प्रमोद मिश्रा मदद के लिए आवाज़ लगाते हैं जिसे सुनकर आसपास के भी कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। स्थिति को देखते हुए लगभग कन्फर्म हो जाता है कि दिव्या मिश्रा की जान जा चुकी है। अब तत्काल ही पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी जाती है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि दिव्या की मौत सर पर किसी भारी चीज़ के हमले की वजह से हुई है। इसके अलावा घर के बाकी सामान भी इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं। देखने से लग रहा था जैसे घर के अंदर लूटपाट की गई है। जांच में कोई कसर न रह जाए इसलिए तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया जाता है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी जांच की मदद के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। उधर दिव्या के सबको पोस्टमार्टम के लिए पास के ही अस्पताल भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर खुलासा होता है कि दिव्या के सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था मगर हमला किसी चीज़ से किया गया था वह बेपन घर के अंदर नहीं मिलता है। इसके अलावा घर से कोई ऐसी वस्तु भी गायब नहीं होती जिससे पक्के तौर पर कहा जा सके कि वास्तव में हत्या लूटपाट के दौरान की गई है। इसके अलावा खोजी कुत्ते घर के आसपास के लोगों के इर्द गिर्द घूमना जारी रखते हैं। ऐसे पुलिस वालों को दाल में कुछ काला नजर आने लगता है। कुछ संकेत मिलने लगते हैं कि शायद इस घटना में हो ना हो घर के किसी सदस्य का हाथ है। फिर पुलिस वाले एहतियात बरतते हुए अपनी जाँच आगे बढ़ाते हैं। आसपास में रहने वाले लोगों से पूछताछ भी की जाती है। इस पूछताछ के दौरान कुछ लोग बताते हैं कि एक नौजवान को उन्होंने इस घर के अंदर जाते हुए देखा था। लोगों द्वारा दिए गए हुलिये के आधार पर पुलिस अखिल कुमार सिंह नाम के एक युवक को अपनी हिरासत में लेती है। अखिल कुमार सिंह दिव्या के पुराने जान पहचान वालों में से एक था। इसके अलावा अखिल की दोस्ती दिव्या के पति अजितेश मिश्रा से भी थी। अखिल और अजितेश एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। जब अखिल से पूछताछ शुरू होती है तो यह बताता है कि जब वह दिव्या से मिलने आया था तो दिव्या बिल्कुल ठीक थी, इन दोनों में बस यही बातचीत हुई और फिर वह चला गया था। पुलिस जब अखिल से पूछताछ जारी रखती है तो थोड़ी देर की पूछताछ के बाद ही अखिल अपना बयान बदलना शुरू कर देता है। बयान बदलते ही वजह से ये पुलिस वालों को शक होने लगता है कि शायद अखिल को कुछ ऐसा मालूम है जिसे वह छिपा रहा है। अखिल के बदलते बयानों के बीच पुलिस वालों के सवाल और तीखे होने शुरू हो जाते हैं जिसमें अखिल उलझता चला जाता है और आखिरकार एक समय बाद एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूछताछ में अखिल खुलासा करता है कि दिव्या की जान किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही ली है और ऐसा करने के लिए उसे किसी और ने नहीं बल्कि दिव्या के पति ने ही कहा था। पुलिस वाले हत्या के मोटिव को जानने की कोशिश करते हैं तो अखिल एक हैरान कर देने वाली कहानी सुनाता है और खुलासा करता है। खुलासे के मुताबिक दिव्या मिश्रा और अजितेश मिश्रा की शादी 2016 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद तक तो इन दोनों की ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी मगर एक समय बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ जाती है। खटास आने की वजह थी कि पिछले कुछ समय से अजितेश अपनी पत्नी से कटा रहा करता था। अजितेश पत्नी को इग्नोर भी करने लगा था। अजितेश के स्वभाव में आए बदलाव से दिव्या परेशान हो जाती है और वो इस बदलाव के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि आजकल अजितेश की नज़दीकी उसके ऑफिस में ही काम करने वाली भावना आर्या नाम की एक लड़की के साथ कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। आगे चलकर पता चलता है कि अजितेश और भावना आर्या रिलेशनशिप में है, यानी
यह एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला था। जैसे ही अजितेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता उसकी पत्नी दिव्या को लगता है, दोनों के बीच खूब लड़ाइयाँ होने लगती हैं। यहाँ तक कि दिव्या एक दिन अपने पति के मोबाइल से भावना का नंबर भी हासिल कर लेती है और फिर फोन कर इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। दिव्या भावना से बात करते ही उसे अजितेश से दूर रहने को कहती है। भावना अजितेश से दूर होने की बजाय दिव्या की शिकायत अजितेश से करने लगती है। इस पर अजितेश को काफ़ी गुस्सा आता है और वह उल्टा अपनी पत्नी के साथ ही काफ़ी गलत व्यवहार करता है। बीते समय के साथ इन दोनों का झगड़ा कम होने की वजह बढ़ता ही चला जाता है। पुलिस पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक इसी बढ़ते तनाव के बीच अजितेश और भावना मिलकर दिव्या को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। पहले तो अजितेश और भावना किसी प्रोफेशनल अपराधी से दिव्या की हत्या करवाने का प्लान बनाते हैं, मगर इन लोगों को डर सताने लगता है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो पुलिस की पकड़ में आने की संभावना कुछ ज़्यादा होगी। इसलिए इन्होंने सोचते हैं कि यह काम किसी भरोसे वाले से करवाया जाए। अरे लोग इस काम के लिए साथ में ही ऑफिस में काम करने वाले अखिल कुमार सिंह के नाम से दोस्त से कॉन्टेक्ट करते हैं। अखिल की दोस्ती अजितेश और भावना से भी थी। ये तीनों आपस में एक ही टीवी चैनल की ऑफिस में काम किया करते थे। इसके अलावा अखिल की काफ़ी पुरानी दोस्ती दिव्या से भी थी। अजितेश के साथ दिव्या से मिलने उसी घर पर जाया करता था। अजितेश और भावना अखिल से मदद मांगते हुए थोड़ी ना नुकर के बाद अखिल अजितेश और भावना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर प्लान के मुताबिक 14 अक्टूबर 2019 को अखिल इटावा में अपने घर पर रह रही दिव्या के पास जाता है। क्योंकि दिव्या और अखिल की पुरानी जान पहचान थी, इसलिए तुरंत ही दिव्या दरवाज़ा खोल देती है। अखिल घर के अंदर दाखिल होता है। दिव्या पहले अखिल को एक गिलास पानी लाकर देती है। दोनों बैठकर बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत के दौरान दिव्या अखिल से अपने पति के साथ चल रहे तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में बात करती है और वह अखिल से अजितेश के समझाने की भी गुजारिश करती है। बातचीत के दौरान ही दिव्या अपने घर में अपनी शादी की एल्बम निकाल कर ले आती है और वह एल्बम में रखी तस्वीरें अखिल को दिखाने लगती हैं। दिव्या का पूरा ध्यान अखिल को तस्वीर दिखाने पर था, जबकि अखिल की निगाहें आसपास की कुछ ऐसी चीज़ तलाश रही थी जिससे प्लान के मुताबिक दिव्या की हत्या की जा सके। इधर उधर देखने पर अखिल को पास में रखा हुआ एक गुलदस्ता नजर आता है। मौका मिलते ही अखिल वह गुलदस्ता उठा लेता है और जब दिव्या का पूरा ध्यान एल्बम पर होता है तभी पूरी ताकत से एक जोरदार वार अखिल दिव्या के सर पर करता है। अचानक हुए हमले की वजह से दिव्या घायल हो जाती है और वह नीचे गिर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अखिल उसकी जान लेने आया है, पर वो अखिल के साथ हाथापाई करती है और बचने की भरपूर कोशिश करती है, मगर अखिल के आगे उसकी एक नहीं चलती। फिर अखिल तब तक दिव्या के सर पर हमले करना जारी रखता है जब तक कि दिव्या बिल्कुल शांत नहीं पड़ जाती। दिव्या के मरने का यकीन होते ही अखिल घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है ताकि उसे चोरी और लूटपाट का रूप दिया जा सके। फिर वह बड़ी ही सावधानी से अपने से जुड़े सभी सबूतों को नष्ट करता है। फिर बड़े आराम से घर से निकल जाता है। घर से निकलते हुए वह साथ में वह गुलदस्ता भी लेकर जाता है जिससे उसने दिव्या के सिर पर हमला किया था। प्लान के कामयाब होने की जानकारी अखिल तुरंत दिव्या के पति अजितेश को भी दे देता है। इस प्लान में अजितेश के साथ साथ भावना भी पूरी तरीके से शामिल होती है, इसलिए जल्द ही उसे भी इस बात की जानकारी मिल जाती है। इस बात से अनजान कि बहू की हत्या के पीछे उनके ही बेटे का हाथ है, दिव्या के ससुर यानी अजितेश के पिता प्रमोद मिश्रा खुद ही पुलिस के अज्ञात तत्वों के खिलाफ लूटपाट और हत्याओं की धाराओं के तहत मामला दर्ज करवा देते हैं। मगर जब पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि अजितेश ने खुद ही पूरी साजिश रची थी। पूरे खुलासे के बाद जल्द ही पुलिस वाले अखिल को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके अलावा अजितेश और अजितेश की गर्लफ्रेंड भावना आर्या को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिव्या के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके इसलिए पुलिस वाले अपनी जाँच आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण सबूत जुटाना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद इस मामले की सुनवाई अदालत में शुरू होती है। पूरी सुनवाई के बाद अजितेश मिश्रा और अखिल को दिव्या की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि हत्या की साजिश में अहम भूमिका निभाने वाली आर्या भावना आर्या को भी 14 वर्षों की कैद की सजा सुनाई जाती है। फिलहाल तीनों मुलजिम अजितेश मिश्रा, अखिल कुमार सिंह और भावना आर्या जेल में है। SSP ने हत्याकांड खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 रुपये नगद इनाम दिया। दोस्तों अदालत ने तो इन तीनों को सजा सुना दी है। अब आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।